नामांकन करने वाले हैं। चिराग के नामांकन में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित बिहार के एनडीए के तमाम बड़े नेता हाजीपुर पहुंच चुके हैं। वहीं चिराग पासवान ने नामांकन में शामिल होने के लिए अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को भी निमंत्रण भेजा है। चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार शिवचंद्र राम से है। आपको बताते चलें कि हाजीपुर को दिवंगत रामविलास पासवान की कर्म भूमि कहा जाता है। इस सीट से उनके पिता रामविलास पासवान चुनाव लड़ा करते थे और ये पहली बार है जब चिराग पासवान हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव के इस मैदान में उतरे हैं। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत अब मतदान की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होना है और जिन लोकसभा सीटों पर ये मतदान होने हैं उनमें अररिया, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और झंझारपुर, ये वो 5 लोकसभा सीटें हैं जहां पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी और इन सभी लोकसभा सीटों पर बेहतर मतदान हो इसी लेकर निर्वाचन आयोग लगातार संबंधित जिलाधिकारी और एसपी के साथ मीटिंग कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना से संवाददाता अमित कुमार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत बिहार में 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं जिसमें अररिया, सुपौल, मधेपुरा जो है इन जगहों पे चुनाव होने हैं, झंझारपुर में चुनाव होने हैं और इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने पूरी तौर पे तैयारी कर रखी है। और बताते चले कि निर्वाचन आयोग जो है वो लगातार इन तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं जिन जिलों में वहाँ पे जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, उसके साथ साथ जो DM SP हैं उनसे भी जो है बैठक किया है और लगातार जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप जो हैं सारे काम काज छोड़ कर के जब आपके यहाँ मतदान होंगे तीसरे चरण के तहत जो है वो 7 मई को जो है मतदान होने हैं तो 7 मई को अपना सारा काम छोड़ कर के आप सबसे पहले जो है वो काम करना है आपको, तो वो है वोट पोल करने का, यानी कि अपने मत का इस्तेमाल करने का। लोकतंत्र में जो आपको अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल आपको करना है और इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएँ जो है वो की गई है। सुनिश्चित करें अपना जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें और उसके तहत जो है आप वोट जो है वो दें और सारे कामकाज छोड़ करके जो आपके क्षेत्र में चुनाव होने हैं उस दिन निश्चित तौर पे आप मतदान केंद्र पर जाकर करके वोट पोल करें और अपना बेहतर नेता जो है उसे चुनें, अपना बेहतर सांसद चुनें। अमित कुमार, News18 पटना। तो देखिए बिहार में 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी और इससे लेकर प्रचार जो है वो जोर पकड़ रहा है। बिहार के रण में आज बीजेपी के कई स्टार प्रचारकों का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा जिनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर और अररिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं मुजफ्फरपुर में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद के लिए जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करते देखेंगे, जबकि अररिया में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह के लिए पलासी के धर्मगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे और सारण में विराजीव प्रताप रूड़ी के नामांकन में शामिल होने वाले हैं। नामांकन के बाद राजेंद्र स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह और इसके बाद राजनाथ सिंह सुपौल में भी जेडीयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामैत के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वे आज 3 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं जिनमें सुपौल, मधेपुरा और बेगूसराय शामिल हैं। तेजस्वी यादव का भी आज तूफानी प्रचार जारी है, वे आज खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और झंझारपुर में 6 चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बिहार के रण में आज आपको ये तमाम दिग्गज जो हैं चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे अपने अपने कैंडिडेट के लिए और उसके लिए जनता से वोट की अपील की जाएगी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इन तमाम चेहरों को आप चुनावी मैदान में देख रहे होंगे। तो पीएम के